सोशल डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि सामाजिक तौर पे सभी को एक जैसा ट्रीट किया जाए। सोशल इक्वलिटी कम्स एज अ रिवोल्ट अगेंस्ट सोशल इनइक्वलिटी। तो समाज में लोगों के साथ जो इनइक्वलिटीज होती है उसको ध्यान में रखते हुए ये हमें कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, जहां पर आपको देखने को मिलता है कि जो रिजिड कास्ट सिस्टम होता है, लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, स्पेशली जो बैकवर्ड कंट्रीज होते हैं, तो वहां पर आपको देखने को मिलता है कि कास्ट बहुत डोमिनेट करती है, कुछ कास्ट डोमिनेट करती हैं, कुछ कास्ट को वीकर माना जाता है सेक्शन सोसाइटी में, कुछ रिलीजन होते हैं वो डोमिनेट करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं पर्टिकुलर कम्युनिटी के वो हमें अपनी मोनोपोली दिखाते हुए देखने को मिलते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि हमारी जो रेस है वो बेटर है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द रेस, तो अपने आप को बेटर दिखाने की कोशिश की जाती है समाज में, और बाकी जो कम्युनिटी के लोग होते हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है। पीपल ऑफ दीज कंट्रीज रिवोल्टेड अगेंस्ट दीज डिस्क्रिमिनेशन। तो ऐसी सिचुएशन में आपको एक ना एक समय पे जिनके साथ भेदभाव हो रहा है उनके तरफ से आपको रिवोल्ट देखने को मिलेगा। मेनी सोशल रिफॉर्म्स आल्सो स्टार्टेड मेनी सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट टू रिमूव द इनइक्वालिटी प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। तो बहुत सारे जो सामाजिक सुधार हमें देखने को मिले उनका मेन मकसद यही था कि समाज में जो असमानता है उसको हमने खत्म करना है। तो इसको हम खत्म कैसे कर सकते हैं? समाज में एजुकेशन को प्रमोट करो, क्योंकि अगर दो व्यक्ति सामने खड़े हैं, एक तो लिटरेट है एक है इलिटरेट, तो आप जो लिटरेट पर्सन है वो आप देखोगे कि वो मतलब डिस्क्रिमिनेशन कम करता है। जो इलिटरेट पर्सन होगा वो अपने जो भी रूढ़िवादी सोच जो होती है उसको छोड़ नहीं सकता। साथ ही साथ डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जाना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में सभी को एक जैसा समझा जाता है, सभी को एक जैसा ट्रीट किया जाता है डेमोक्रेसी में। विद द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी गेन मोमेंटम एंड द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कलर क्रीड एटसेट्रा वॉज अबोलिश्ड। तो एजुकेशन को प्रमोट करो और डेमोक्रेसी को प्रमोट करो, इससे क्या होगा कि एक मतलब मोमेंटम बनता है जिससे कि हम सामाजिक तौर पे सभी को एक जैसा बना सकते हैं। इन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड स्पेशल प्रोविजंस आर मेड टू इराडिकेट सोशल इनइक्वलिटी। तो अलग अलग देशों के अलग अलग संविधान जो हैं उनमें ऐसे प्रावधान बनाए गए हैं, ऐसे प्रोविजंस बनाए गए हैं जिससे कि जो समाज में प्रचलित इनइक्वलिटी है उसको समाप्त किया जा सके। इराडिकेट होता है रिमूव करना, हटाना। आगे है जैसे अपार्थेड इज स्टिल देयर इन मेनी कंट्री एंड स्लोगन्स लाइक कीप ब्रिटेन वाइट एंड कीप अफ्रीका ब्लैक आर रेज्ड। इन साउथ अफ्रीका ब्लैक आर नॉट गिवन इक्वल राइट्स व्हिच आर गिवन टू द वाइट। तो अपार्थेड मूवमेंट साउथ अफ्रीका में देखने को मिली थी, वहां पे एक्चुअली जैसे ब्लैक एंड व्हाइट का जो भेदभाव होता है ब्लैक एंड व्हाइट के नाम पे ज्यादा होता है। वहां पे देखो इंडिया जैसी कंट्री में आपको कास्ट सिस्टम ज्यादा डोमिनेट होते हुए देखने को मिलता है कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज, वहां पे आपको क्लास सिस्टम देखने को मिलता है। और इंडिया जैसी कंट्री में कास्ट सिस्टम ज्यादा डोमिनेट होते हुए देखने को मिलेगा। बिफोर इंडिपेंडेंस अनटचेबिलिटी वॉज प्रिवेलेंट इन अवर कंट्री बट आफ्टर इंडिपेंडेंस अनटचेबिलिटी वॉज डिक्लेयर्ड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो हमारे देश में आपको पता है अनटचेबिलिटी भी देखने को मिलती थी, छुआछूत की एक प्रथा थी हमारे देश में, कुछ लोगों मतलब भेदभाव करते थे कुछ लोगों के साथ। मगर जब से कॉन्स्टिट्यूशन आया है तो तब से कोशिश कॉन्स्टिट्यूशन की यही है कि ये जो भेदभाव होता है लोगों में इसको खत्म किया जाए, इसको कानूनी रूप दे दिया गया है। अगर आज के टाइम में भी ये प्रीवेलेंट रहता है, प्रचलित रहता है, तो इसको खत्म करने के लिए कड़म नियम बनाए गए हैं और उन नियमों के अधीन लोगों को सजा दी जाती है अगर वो अब भी भेदभाव करते हैं। तो वन बाय वन हम जो सोशल डायमेंशन है इक्वालिटी की उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। जो स्पेशल अधिकार दिए जाते हैं सोसाइटी में किसी एक खास वर्ग को, उसको उसकी बिल्कुल एब्सेंस कर देना, उनको पूरी तरह से खत्म कर देना, मतलब सभी सोसाइटी के लोग जो होंगे उनको एक जैसा ट्रीट किया जाए।
अगर स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाते हैं किसी कम्युनिटी को, स्पेशल अधिकार दिए जाते हैं, स्पेशल बेनिफिट्स दिए जाते हैं, दैट मीन्स कि हम बाकी कम्युनिटी के साथ भेदभाव कर रहे हैं। अगर आप ऐसी सोसाइटी में रहते हो, दैट मीन्स कि सोसाइटी की ग्रोथ नहीं होगी, ओनली एक जो सोसाइटी में एक कम्युनिटी है, पर्टिकुलर कम्युनिटी, सिर्फ और सिर्फ उसी की ग्रोथ होगी। नो डिस्क्रिमिनेशन इज मेड विद एनी बडी ऑन द बेसिस ऑफ हिज कास्ट, रिलीजन, कलर, क्रीड एटसेट्रा। तो किसी के साथ भेदभाव ना हो, इसीलिए स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिए जाते हैं। सेकंड पॉइंट जो है वो है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव होता है उसकी मनाही, भेदभाव की मनाही। तो सोशल इक्वालिटी की जो एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है, जो एक पहचान है उसकी, वो यही है कि समाज में किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो सकता। किसी की कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, किसी भी वर्ग से वो, संप्रदाय से वो संबंधित हो, मगर उसको समाज में एक जैसा व्यवहार सरकार की तरफ से मिलेगा। देश का जो कानून होता है वो सभी लोगों को एक ही तरह से ट्रीट करेगा। इन मैनी ऑफ द अंडर डेवलप्ड स्टेट्स इवन टुडे सच डिस्क्रिमिनेशन आर मेड विच इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सोशल इक्वलिटी। तो जो अंडर डेवलप्ड स्टेट्स हैं वहां पर आपको अगर आज भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव देखने को मिलता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जैसे जैसे लोगों में एजुकेशन प्रमोट होती है, वैसे वैसे ये जो स्टिग्मा है सोसाइटी का, ये दूर होना शुरू हो जाता है। इसीलिए सभी को एजुकेट करना चाहिए, और जिन ज्यादा से ज्यादा लोकतंत्र को मजबूत बनाना चाहिए, और जिन देशों में डेमोक्रेसी नहीं है वहां पे भी डेमोक्रेसी आनी चाहिए। थर्ड पॉइंट इज फ्री एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। तो जो भी पब्लिक प्लेस होते हैं, जैसे कुछ रेलवे स्टेशन है तो रेलवे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, बस है, बस स्टैंड जैसे हो गया, होटल्स होते हैं, कोई भी रोड्स हो गए, तो ये जो होते हैं ये सभी के लिए एक जैसे हैं, यानी कि सभी को इनका इस्तेमाल करने की इजाजत दी जानी चाहिए। शुड बी प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द सिटीजंस एंड एवरीबडी शुड हैव फ्री एक्सेस टू दीज। तो ये जो सारे पब्लिक प्लेसेस होते हैं ये देश के हर एक नागरिक के लिए होते हैं, किसी खास एक वर्ग के लिए नहीं होते। सभी को इनका एक जैसा इस्तेमाल करने की पूर्ण रूप से आजादी देनी चाहिए। अगर मान लो ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है कि पर्टिकुलर कुछ कम्युनिटी के लोगों को ही रेलवे स्टेशन पे जाने की इजाजत दे दी जाएगी, या कुछ कम्युनिटी के लोगों को, एग्जाम्पल के तौर पे हम बोलते हैं कि वो रेलवे स्टेशन से नहीं जा सकते, तो फिर ऑब्वियसली इसका रिजल्ट क्या होगा? मतलब लोगों के बीच में इनइक्वेलिटी जो है वो प्रमोट होगी, तो भेदभाव बढ़ेगा। इसीलिए जो भी पब्लिक प्लेस होते हैं वो हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, देश के हर एक नागरिक के लिए है। फोर्थ पॉइंट है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। जेंडर के नाम पे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो हम मैट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं, जहां पर मेल डोमिनेट करता है सोसाइटी में, पुरुष प्रधान समाज में हम रहते हैं, पुरुष प्रधान समाज का हम हिस्सा हैं। अगर आप देखोगे तो मेनली अगर आपकी फैमिली में आपके दादा या दादी हैं तो आपके, या मदर एंड फादर हैं, तो मेनली जो बड़े घर के डिसीजन होते हैं तो वो फादर ही मोस्ट ऑफ द टाइम लेते हैं, क्योंकि ये शुरू से ऐसे ही चलता आ रहा है सिस्टम, मगर ऐसा होना नहीं चाहिए। इवन कई बार जो वर्क प्लेस होते हैं वहां पे भी जो मेल कैंडिडेट होते हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है, और जो सैलरी होता है, सैलरी गैप भी हमें देखने को मिलता है। कई बार जो मेल होते हैं उनको ज्यादा सैलरी दे दी जाती है, जो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज होती है वो उनको ज्यादा मिलती है। इनफैक्ट आज के टाइम में तो एक उल्टा ही मतलब ट्रेंड चल रहा है, गर्ल्स के लिए कुछ सीट्स मतलब उनको रिजर्व कर दी गई हैं। जैसे आज के टाइम में कुछ जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे आयल सेंटर हो गया, तो वहाँ पे फीमेल्स को ही प्रेफरेंस दी जाती है। तो ये भी किसी ना किसी तरह का नया ट्रेंड जो है डिस्क्रिमिनेशन का, जेंडर के बेसिस के ऊपर, यानी कि ना ही मेल के साथ और ना ही फीमेल के साथ डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, जेंडर के बेसिस के ऊपर दोनों जेंडर को एक समान समाज में ट्रीट किया जाना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है
इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होती है उसमें भी सभी को एक जैसा अवसर मिलना चाहिए। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं जो भी सरकारी नौकरियां हैं वो, तो उसमें चाहे मेल है या फीमेल है, उन दोनों जेंडर को एक समान अवसर मिलने चाहिए। इनफैक्ट प्रेजेंट टाइम में तो आप देखोगे कि जो थर्ड जेंडर है उनको अभी ड्यू इम्पोर्टेंस दी जाती है। जब आप कोई भी एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करते हो तो उसमें मेल फीमेल एंड अदर थर्ड जेंडर यहाँ फिर लिखा होता है, तो थर्ड जेंडर की भी आपको आज के टाइम में ऑप्शन देखने को मिलती है। दैट मीन्स सोसाइटी कहीं ना कहीं सभी को एक समान देख रही है हमारी, तो इसको ही प्रमोट करना चाहिए, सभी को एक समान अवसर मिलने चाहिए जब भी कोई जॉब्स की बात आती है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, नॉट ओनली पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इनफैक्ट अगर कोई प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट भी है तो उसमें भी कोशिश होनी चाहिए कि सभी को एक जैसा ट्रीट किया जाए। क्वालिफिकेशन अनडाउटेडली वो फिक्स होती है कि कुछ जॉब्स के लिए आपकी स्पेशल कुछ डिग्री की डिमांड हो सकती है, किसी में एज ग्रुप की डिमांड हो सकती है कि मिनिमम मैक्सिमम हो सकती है 25-30 हो सकती है, वो तो सभी के लिए होगी। मगर अदरवाइज किसी भी बेसिस के ऊपर कि किसी का धर्म क्या है, किसी की जाति क्या है, इसके ऊपर किसी भी तरह का भेदभाव किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, सभी को जॉब्स के मामले में इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। प्रोविजन ऑफ इक्वल राइट्स, नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविजन ऑफ इक्वल राइट्स, तो एक जैसे अधिकारों का प्रावधान होना चाहिए देश के हर एक नारी के लिए, मतलब इक्वल राइट्स फॉर ऑल, सभी के लिए एक जैसे अधिकार होंगे एंड नो डिस्क्रिमिनेशन, और किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन एटसेट्रा। फोर सेंचुरीज डिस्क्रिमिनेशन वॉज मेड विद अनटचेबल इन इंडिया एंड विद ब्लैक्स इन साउथ अफ्रीका, तो अनटचेबिलिटी आपको इंडिया में देखने को मिली है काफी लंबे समय से, और जैसे ब्लैक मैन है साउथ अफ्रीका में, अपार्थेड मूवमेंट जिसको चलाया था नेल्सन मंडेला ने खत्म करने के लिए, तो वो आपको काफी लंबे टाइम से देखने को मिली है सोसाइटी में। तो जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब से आप देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि अगर किसी के साथ भेदभाव होता है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। और जो बात आती है अधिकारों की, तो जो फंडामेंटल राइट्स की हम बात करते हैं जो देश के हर एक नागरिक को दिए गए हैं और सभी को एक समान ही दिए गए हैं, तो दैट मीन्स कि आज के टाइम में इंडिया में आप इनइक्वालिटी नहीं देखोगे, मतलब एटलीस्ट गवर्नमेंट की तरफ से इसको पूरा सुनिश्चित किया जाता है कि लोगों में लोगों के साथ किसी भी कम्युनिटी के लोगों के साथ भेदभाव ना हो। ऐसे ही साउथ अफ्रीका में भी जो अपार्थेड की जो नस्ल भेद टिप्पणियां वगैरह होती हैं उसको भी आज के टाइम में आप देखोगे कि काफ़ी बड़े स्तर पर कंट्रोल कर लिया है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस तो हर एक जगह पे आपको आज के टाइम में भी देखने को मिलेंगे, मगर बड़े स्केल पे इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया जा चुका है। नेक्स्ट सेवन पॉइंट, प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, तो यहाँ पे हम इस प्रोविजन की बात कर रहे हैं, प्रावधान की, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन यानी कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जिससे आपको प्रोटेक्ट किया जा सके। इसको ध्यान से समझना जरा, दो डिस्क्रिमिनेशन आर अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सोशल इक्वलिटी येट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस डिस्क्रिमिनेशन बिकम असेंशियल एज इन इंडिया। तो सेवन पॉइंट ये बोलता है कि देखो अभी तक हमने ये बात की है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता, मगर कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस होंगे, स्पेशल सिचुएशंस ऐसी होंगी जब हम क्या करेंगे कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है अटेंशनली करेंगे। एग्जांपल के तौर पे इंडिया, इंडिया में आपको देखो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, बट इसको हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोल सकते हैं। उसका कारण यह है कि जैसे मान लो शेड्यूल्ड कास्ट को रिजर्वेशन दी जाती है या शेड्यूल्ड ट्राइब को रिजर्वेशन दी जाती है, उसमें मेन पर्पस यही होता है कि जो इनकी ग्रोथ है ये इनइक्वल है, मतलब असमान, इनमें असमानता अभी भी बहुत है, यानी कि इनको एक समान अवसर से ज़्यादा थोड़े से अवसर बढ़ा के देने पड़ेंगे तभी इनको एक समान किया जा सकता है। क्योंकि सोशली बैकवर्डनेस, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस हमें बड़े स्केल में देखने को मिलती है और उसको दूर करने के लिए इनको स्पेशल से अधिकार देने पड़ेंगे।
और वही अधिकार इनको दिए जा रहे हैं ताकि इन इक्वल को इक्वल बनाया जा सके। पर्पस ऑफ दीज स्पेशल प्रोविजन इज टू स्टॉप इनह्यूमन ट्रीटमेंट। तो मानवता से परे हट के कुछ जो गतिविधियां की गई हैं उसको खत्म करने के लिए ये स्पेशल प्रोविजन दिए जाते हैं, और इस प्रोविजन को हम प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का नाम देते हैं। बट दिस शुड बी केप्ट इन माइंड दैट शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस विच आर गिवन स्पेशल राइट्स विल नॉट कम अंडर द हेडिंग्स ऑफ स्पेशल राइट्स। तो इसी का भी हमने ख्याल रखना है कि जो भी अधिकार शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, बैकवर्ड क्लास को दिए जा रहे हैं या विमेन को या चिल्ड्रन को स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं, उनको हम ये नहीं बोलेंगे कि ये स्पेशल राइट्स हैं, सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि हाँ कुछ खास ट्रीटमेंट दिया जा रहा है इनको, ये बोलेंगे कि इन इक्वल को इक्वल बनाने की कोशिश की जा रही है। मतलब जो इन इक्वल है लंबे समय से, तो वो जो इन इक्वालिटी है उसको दूर करना है हमने, इसीलिए उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। सो दिस इज द एंड ऑफ द सोशल डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी।